IPL 2020 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट अगर आपको भी एबी डिविलियर्स की धमाकेदार पारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको कैसी लगी एबी डिविलियर्स की ये धमाकेदार पारी, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर टॉस जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और इस मैच में हमें फाइनली जो है वो देखने को मिला एबी डिविलियर्स की धमाकेदार पारी, जहां पर अभी तक एबी डिविलियर्स का बैट उस तरह से चलता हुआ आईपीएल 2020 में हमें नजर नहीं आया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने सारी कसर जो है वो पूरी करी और 73 रनों की पारी, वो भी सिर्फ 33 गेंदों में, जहां पर 5 चौके और 6 जबरदस्त छक्के जो है वो लगाए एबी डिविलियर्स ने। आपको बता दें कि केकेआर की बॉलिंग काफी अच्छी जो है शुरुआत से ही नजर आ रही थी, बांध कर रखा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बैट्समैन को। पहले 15 ओवर की अगर बात करें तो सिर्फ 111 रन बोर्ड पर थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, और ऐसा लग रहा था कि 160-170 जो है वो पार स्कोर हो जाएगा, इससे ज्यादा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम स्कोर नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बाद एबी डिविलियर्स ने अपना शो दिखाया, एबी डिविलियर्स ने कमाल की पारी खेली और आपको बता दें कि शुरुआती 10 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए थे एबी डिविलियर्स ने, लेकिन इसके बाद आखिरी के जो उन्होंने 23 बोले खेली उसमें 63 रन जो है वो लगाए और सभी बॉलर की खासी पिटाई करी, चाहे वो नागर कोटी हो जिन्होंने 3 ओवर काफी अच्छे कराए थे, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने भी यहां पर 2 छक्के और 1 चौके दिए। पैट कमिंस की भी अच्छी धुलाई हुई आखिरी ओवर में और आंद्रे रसल को भी 20वें ओवर में काफी अच्छी पिटाई लगी और एबी डिविलियर्स ने इस मैच को जो है वो किया अपने नाम। आपको बता दें दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआती 20 गेंदों तक उन्होंने कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केकेआर की बॉलिंग कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन तब तक जब तक एबी डिविलियर्स ने अपना शो स्टार्ट नहीं किया और जब एबी डिविलियर्स चालू हुए तो सभी बॉलर्स फीके पड़े, सिर्फ एबी डिविलियर्स के शॉट जो है हमें देखने को मिले और एबी डिविलियर्स की 73 रनों की पारी की बदौलत 194 रनों तक पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जो कि एक समय लग रहा था कि 160-170 जो है यहां पर इनफ स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए होने वाला है। तो कमाल का एबी डिविलियर्स शो हमें देखने को मिला, आशा करते हैं ऐसे और भी इनिंग जो है आने वाले मैचेस में हमें देखने को मिले। दोस्तों आपको कैसी लगी एबी डिविलियर्स की ये पारी, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।